Hello, students. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. College, Bandara, Maharashtra. In the series of great personalities, today we are going to discuss about Florence Nightingale. This discussion will be divided into two parts, and today we are discussing about part one. Florence Nightingale, part one, is written by Leighton Strachey. Florence Nightingale, born on 12 May 1820 in Florence, Italy, and died in 13th, on 13 May 1910 in Mayfair, London. There are some people in the world who amazed the world, who mesmerized the world, and they recorded their name permanently in the history of the world. Kuch log is dunya hamare डिफरेंट पीपल बट दे वर्क डिफरेंटलीफरेंटली वो हमसे कुछ अलग लोग नहीं थे हमारे जैसे हार्ड मास के लोग थे पर कुछ अलग तरीके से उन लोगों ने सोचा कुछ अलग किया और अपने आप को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज किया अंकित किया ऐसे ही विरले व्यक्तियों में नाम है फ्लोरेंस नाइट एंगल का इस कहानी को इस बायोग्राफी को जिन्होंने लिखा वो है लेटन स्ट्रैची लेटन स्ट्रैची बॉर्न इन 1880 एंड डाइड इन 1932। दुनिया के जाने माने बायोग्राफर में लेटन स्ट्रैची का नाम आता है इंग्लिश बायोग्राफर एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन पीरियड ही दिस इज eminently फेमस बुक एंड इस रिमार्केबल बायोग्राफी रिटन बाईन स्ट्रैची इन देंचुरी बीसवीं शताब्दी में सबसे फेमस जो बायोग्राफीज होती है या हुआ करती है उसमें एमिनंट विक्टोरियन उन्नीस सौ अट्ठारह में लिखी गई ये बायोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरियान स नाइटेंगल बॉर्न इन टू एन अपर क्लास ब्रिटिश फैमिली कुलन वर्ग के ब्रिटिश परिवार में फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था एट द एज ऑफ सिक्स लिथेरियन हॉस्पिटल इन जर्मनी एज ए नर्सिंग स्टूडेंट एक नर्सिंग स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने सोलह साल की उम्र में ही लिथरियन हॉस्पिटल जर्मनी में ज्वाइन किया था सिर्फ जख्मी लोगों की जख्मी सैनिकों की सेवा करना इसी ध्यय से प्रेरित होकर फ्लोरेंस नाइटेंगल ने अपनी सारे जीवन को दाव पर लगा दिया शी इज नोन एज द लेडी विद्प और लेडी विद अ लैम्प के टाइटल से फ्लोरेंस नाइटेंगल सारी दुनिया में जानी जाती है आइए चर्चा करते हैं उनके जीवन को जानने की कोशिश करते हैं फ्लोरेंस नाइटेंगल वॉज सेंटली सेल्फ सेक्रीफाइसिंग डेलिकेट मेडन ऑफ हाई डिग्री लिविंग सोल्जर्स शी थॉट ऑफ समथिंग अनपॉपुलर वर्क जनरली डोंट इट वॉज बियॉन्ड पॉपुलर इमेजिनेशन एक बहुत संपन्न परिवार से फ्लोरेंस नाइटेंगल बिलोंग करती है और इतने सुखों में रहने के बावजूद भी सारी सुख सुविधाएं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी पर फिर भी सारी जीवन की खुशियों को छोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक फैसला करती है जख्मी और मरते हुए लोगों की सेवा करना उन्होंने ऐसी चीज के बारे में सोचा जो बिल्कुल अनपॉपुलर थी लोग इसे पसंद नहीं करते थे इस काम को और कल्पना के परे ऐसे व्यवसाय के बारे में ऐसी जिम्मेदारी के बारे में फ्लोरिस नाइटेंगल सोच रही थी यही वजह है जो फ्लोरिस नाइटेंगल को औरों से अलग बनाती है फ्लोरिस नाइट एंगल बचोने में जिस मकान में जिस घर में रहती थी वो यही घर है उनका बचपने का हर फैमिली वॉज एक्सट्रीमली वेल टू डू परिवार बिल्कुल संपन्न था। हाउस इन डरबी शहर अनादर इन न्यू फॉरेस्ट डरबी शहर में एक मकान एक न्यू फॉरेस्ट में एंड एंड नंबर ऑफ टूर्स अराउंड जर्मनी जर्मनी के इर्द गिर्द पैरिस फ्रांस तक न जाने कितनी बार घूमने के लिए परिवार गया था इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्लोरेंस इंटरेस्ट इन दीस ऑल एंड विल मैरी एन एलिजिबल जेंटलमैन एंड लिविंग हैप्पी एवर आफ्टर हर सिस्टर्स एंड हर कशंस उम्मीद भी यही की जा रही थी कि फ्लोरेंस नाइटेंगल इसी प्रकार के जीवन यापन को स्वीकार करेगी और अपने बहनों की तरह अपने भाइयों की तरह इसी प्रकार से ऐशो आराम में जिंदगी गुजारेगी पर नियति को कुछ और मंजूर था इट वॉज नेक्सपेक्टेड दैट फ्लोरेंस शुड ड्रीम ऑफ एनिथिंग एल्स या ड्रीम शीड इट और ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि फ्लोरेंस नाइटेंगल किसी अटपटे से अनजान से क्षेत्र के बारे में सोचेगी और उन्होंने ऐसा सोचा और उस सपने को साकार करने के लिए फ्लोरेंस नाइटेंगल चल पड़ी गॉड्स कॉल्स आर मैनी एंड दे आर स्ट्रेंथ हमने शायद खुदा को भगवान को देखा नहीं है पर भगवान अपने फरिश्तों के माध्यम से हमसे रूबरू होते हैं हमसे बात करते हैं शायद फ्लोरेंस नाइटेंगल किसी एंजल का नाम है जिसे गॉड ने भेजा था भगवान अलग अलग तरीके से पुकारता है और वो तरीके हमसे अनजान होते हैं हम उससे अनजान होते हैं समझ नहीं पाते इट वॉज अ डिफरेंट कॉल फ्रॉम द गॉड शायद भगवान की तरफ से ये अलग पुकार थी इन द चाइल्ड हुड फ्लोरेंस सिस्टर यूज टू टीयर द डॉल्स एंड फ्लोरेंस सी दैम बचपने में फ्लोरेंस की बहनें गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी उनके टुकड़े टुकड़े कर, कर डालती थी चिरती थी फाड़ती थी पर फ्लोरेंस नाइटेंगल बचपने में इन फटी हुई गुड़ियों को सीलने का काम करती थी शी ऑलवेज रैन टू हेल्प पुअर पीपल दौड़ कर भाग कर गरीबों की मदद करना बीमार पड़ोसियों की मदद करना माने इतना ही नहीं माने कुत्ता भी अगर मोहल्ले का जख्मी है तो इंसानों की तरह उसका ट्रीटमेंट करना उसकी देखभाल करना ये सारी चीजें फ्लोरेंस नाइटेंगल बचपने से ही कर रही थी शे इमेजिन हर मूविंग इन द हॉस्पिटल मूविंग अमंग द बेड्स जिस उम्र में लोग अलग अलग प्रकार के सुनहरे सपने देखते देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगल ऐसे सपनों को देखती थी कि जैसे वो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूम रही है और वही मरीजों के बिस्तरों के बीच में से घूम रही है शी ड्रीम्ड हैवन लाइक प्लेस फॉर द पेशेंट्स रोगियों के लिए बीमार लोगों के लिए स्वर्ग जैसे जन्नत जैसे कोई सुंदर हॉस्पिटल की कल्पना फ्लोरिस नाइटेंगल बचपने से कर रही थी रोट हर ऑल थॉट्स इन टू हर डायरी और उन्होंने अपने इन सारे विचारों को अपने डायरी में अंकित किया है एंड मैरिज संपन्न परिवार से होने के कारण उनको बहुत सुंदर पति मिल भी गया रहता पर उनकी रुचि इसमें बिल्कुल नहीं थी पेरेंट्स वेर वरीड अबाउट हर चेंज एंड स्ट्रेंज एटीट्यूड फ्लोरेंस के इस अजीब से बर्ताव से घर के लोग माँ बाप भी परेशान हो चुके फ्लोरेंस अनाउंस एन एक्सट्रीम डिजायर टू गो टू द सेल्सबरी हॉस्पिटल फॉर सेवरल मंथ्स एज नर्स और फिर अचानक एक दिन खाने पर फ्लोरेंस ने एक अजीब सी इच्छा जाहिर की वो सेल्सबरी हॉस्पिटल जाना चाहती थी कुछ महीनों के लिए नर्स के तौर पर एंड शी कन्फेस्ड टू सम विजनरी प्लान ऑफ यूनचिल सेटिंग अप इन द हाउस ऑफ हर ओन इन द नेबरिंग विलेज एंड देयर फाउंडिंग समथिंग लाइक अ प्रोटेस्टेंट सिस्टरहुड विदाउट वाउस फॉर वुमेन ऑफ एजुकेटेड फीलिंग्स और ऐसा लगने लगा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसी विजनरी किसी सपने के एक प्लान पर जा रही है और ऐसे किसी यात्रा पर निकल रही है और शायद चाहती है कि ऐसा कोई मिशन वो शुरू करे वो किसी प्रोटेस्टेंट सिस्टरहुड की तरह सोच रही थी विचार कर रही थी बट ऑल अपोस्ट एंड शी थॉट हर ऑल ड्रीम्स वेर चार्टेड पर घर के सारे लोगों ने विरोध किया प्रवाह के विरुद्ध जाना चाहती थी फ्लोरिस नाइटेंगल तकलीफ तो होनी ही थी घर के सारे लोगों ने विरोध किया और ऐसा लगने लगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सारे सपने बिखरने वाले हैं इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर थिंक एंड लिव इंडिपेंडेंटली एंड अ कोर्स ऑलवेज इग्नोरेंट यूजली डर्टी ऑफ एंड ये उन दिनों की बात है जब नर्स बनना ठीक नहीं समझा जाता था और एक किसी महिला ने खुद स्वतंत्र रहने का सोचना और किसी ऐसे मुकाम पर निकल जाना कि जिसमें महिला को स्वतंत्र रूप से रहना होता है ये तो इम्पॉसिबल टास्क था कोई भी स्वतंत्र रूप से अपने बारे में सोच भी नहीं सकते थे ऐसे ज़माने में फ्लोरेंस नाइटिंगल अपने बारे में सोच रही थी और नर्स का मतलब था कोई बुरे बर्ताव करने वाली व्यक्ति और जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता और हमेशा गंदे लोगों के बीच में रहने वाले क्रूर किस्म के लोग जो होते हैं उन्हें नर्स समझा जाता था द नर्सेस इन द हॉस्पिटल्स वेर स्पेशली नटोरियस फॉर इमोरल कंडक्ट और उन दिनों में नर्सेस अपने अजीब से बर्ताव के लिए कैरेक्टर्स के लिए बदनाम हुआ करती थी सोबेरिटी ऑलमोस्ट अनोन अमंग सभ्यता उनमें थी ही नहीं ऐसा लोग मानते थे or मेडिकल ड्यूटी ड्यूटी जैसे और को करने के लिए महिलाएं लायक है ऐसा उस समय समझा नहीं जाता था बट फ्लोरेंस चेंज दिस इमेज बट फ्लोरेंस नाइटिंग ने ये जो इमेज बनाई गई थी नर्सेस के बारे में इन सारी इमेज को बदल के रख दिया

घर के लोगों को जैसा शौक लग गया था यस शी हेड सीन और उस लिहाज से देखा जाए तो पाप ही था फ्लोरेंस नाइटिंगल ने अगर ऐसा किया है स्टैंडिंग बिफोर गॉड्स जजमेंट सीट भगवान के न्यायसन के सामने ऐसा विचार करना नोवन कोई ऐसा नहीं कर सकता शीड इलेय नोवन हैज सो ग्रेव्ड द होली स्पिरिट शायद होली स्पिरिट को भगवान को गॉड को जीसस को इतना दुखी किसी ने नहीं किया होगा और दैट शी वॉज क्वाइट सर्टिन उन्हें मालूम था इट वॉज इन वेन दैट शी प्रेड टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम वैनिटी टू हिपोक्रेसी पर इस डोंग से इस दम्भ से वो बाहर आना चाहती थी एंड शी कुड नॉट बियर टू स्माइल और टू गे अब जब लोग परेशानी में हो और हम स्माइल करें हम हंसे ये भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा था बिकॉज शी हेटेड गॉड टू हि लाफ एज इफ शी हेड नॉट रिपेंटेड ऑफ हर सीन और फ्लोरेंस को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके द्वारा कोई पाप हुआ है और इस पाप का प्रायश्चित उन्होंने किया नहीं है शायद उनका हंसना भगवान को मंजूर नहीं है भगवान शायद तिरस्कार करते हैं इसलिए वो भी ऐसा ही सोचने लगी थी शी डिड नॉट सरेंडर पर उन्होंने अपने आप को निराश नहीं होने दिया बट दिसमेन एंड स्थान पर डटी प्लान संघर्ष किया काम किया और नियोजन भी किया वी वॉज कैरिंग ऑन द लाइफ ऑफ द ब्रिलियंट गर्ल इन सोसाइटी

और इंटरनली वो शायद भले ही आउटवर्डली वो बहुत बड़े परिवार से बहुत विक्टोरियस बहुत डेयरिंग वाली लड़की लग रही थी पर अंदर से वो महसूस कर रही थी कि शायद आने वाले पछतावे के लिए आने वाले तकलीफों के लिए वो शिकार होने वाली है इन द सिक्रेट डिवोर्ड द रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल कमीशन द पैम्फलेट्स ऑफ द सैनिटरी अथॉरिटीज द हिस्ट्रीज ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड होम अकेले में उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कमीशन के रिपोर्ट बहुत सारे सैनिटरी पैम्फलेट्स और उनके अथॉरिटीज के बारे में और हिस्ट्रीज ऑफ द हॉस्पिटल्स अस्पतालों के इतिहास के बारे में घरों के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था बट ऑन अदर ट्रायल अवेटेड पर कुछ और इंतजार कर रही थी तकलीफें फ्लोरेंस का द लास्ट ऑर्डियल अपियर इन द शेप ऑफ ए डिजायरेबल एंग मैन अब और एक समस्या थी उम्र का तक़ाज़ा था और उम्र के इस नए दौर में इस नए करवट लेते समय पर फ्लोरिस नाइटिंगेल को और एक समस्या का सामना करना पड़ा उन्हें चाहने वाले भी बहुत थे और एक इंग व्यक्ति के रूप में एक चाहत उनके रास्ते में रुकावट के रूप में खड़ी होगी हर लवर्स हैड बीन नथिंग टू हर बट एन एडेड बर्डन उन्हें चाहने वाले लोग कुछ और नहीं थे बल्कि उनके रास्ते में और परेशानियां खड़ी कर देने वाले थे एंड मौकरी शायद मजाक का विषय बन जाते बट नाउ फॉर अ मोमेंट शी वेवर्ड कुछ देर के लिए उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने रास्ते से भटक जाएगी अवेफ्ट ओवर हर उम्र के हिसाब से नई तरंगे शरीर में दौड़ने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अपने रास्ते से भटक जाएंगी अ फीलिंग नोन बिफोर ऐसी भावनाएं मन में जन्म ले लेने लगी जिसको कभी उन्होंने महसूस नहीं किया था विश अगेन और शायद इसके बाद वो कभी इन भावनाओं से परिचित होने वाली नहीं थी बट द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोफोंडेस्ट ऑफ ऑल द इंस्टिंग ऑफ द ह्यूमनिटी लेट काम अपॉन हर क्लेम अपॉन हर शरीर में जन्म लेने वाली भावनाएं शायद फ्लोरिस नाइटेंगल को पराजित कर देती और सबसे पवित्र भावनाएं सबसे तीव्र भावनाएं अब मन में जन्म ले रही थी बट इट रोज बिफोर हर ये कुछ अलग भावनाएं तो थी नहीं हर एक व्यक्ति में ऐसी भावनाएं जन्म लेती है युवा अवस्था में the, in the hublis, hublis marriage, और शायद उस वक्त फ्लोरेंस नाइटेंगल विक्टोरियन कल्चर के हिसाब से शादी के बंधन में बंद भी जाती थी पर उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को अपने पैरों तले दबा दिया कुचल दिया। शी इंटरवल्स ऑफ लंडन सीजन इन द रैक्ट स्कूल्स, जो भी छुट्टियों के दिन मिलते मिलते थे गांव के बस्तियों के स्कूलों में जाना एंड वर्क हाउसेस एंड शी हर स्पेयर टाइम सो so well that there देर hardly हार्डली अ ग्रेट हॉस्पिटल्स इन द यूरोप विद विच शी not acquainted. यूरोप में ऐसे कोई अस्पताल नहीं थे जहाँ पर फ्लोरिस नाइट एंगल नहीं गई थी वहाँ जाकर उन्हें देखना अस्पतालों की हालत देखना और उसका अध्ययन करना और सारी चीज़ें अपनी डायरी में रिकॉर्ड करना ये अजीब सा काम फ्लोरस नाइटेंगल ने शुरू कर दिया था हार्डली अ ग्रेट सिटी हलम्स शी हेड नॉट पास थ्रू शायद यूरोप में ऐसा कोई शहर नहीं बचा था जिनकी गलियों में झुग्गियों में झोपड़ियों में फ्लोरिस नाइटेंगल नहीं गई थी शी अ कॉन्वेंट स्कूल इन रोम शी सक्सेडेड इन स्लीपिंग ऑफ टू अ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन रोम के कुछ स्कूलों में उन्होंने दिन गुजारे और धीरे से वो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में भी जाती रही एट कैसर वेयर शी रिमेन फॉर मोर देन थ्री मंथ्स हीनों तक का अलग समय उन्हें कैसे में निकाला गुजारा। शी क्रिटिकल क्रिटिकल इवेंट। इवेंट दिस ऑफ़ लाइफ। उनके जिंदगी के सबसे मुश्किल समय का यह दौर था द एक्सपीरियंस विच शी गेन्ड एज ए नर्स एट ऑफ ऑल हर फ्यूचर एक्शन एंड फाइनली फिक्स इन हर करियर शायद कैसे स्वर्थ में जो अनुभव उन्होंने लिया ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दौर था उनके जिंदगी का और उन्होंने अपने उद्देश्य को यहां फिक्स कर लिया बट नो शी न्यू इन हर हार्ट दैट इट कुड नॉट बी टू बी नेल टू कंटिन्यूशन एंड ऑफ प्रेजेंट लाइफ टू पुट इट आउट ऑफ माई पावर ओवर टू बी एबल टू सीज द चांस ऑफ ऑफ फॉर्मिंग दाई सेल्फ अ ट्रू एंड रिच लाइफ जिस जिंदगी की तलाश माइक फ्लोरेंस नाइटेंगल कर रही थी वो शायद एक प्रकार का सुसाइड करने जैसा था सुसाइड था सारे सुखों का सारे लग्जरियस लाइफ का घर में इतने ऐश आराम में पाली गई फ्लोरेंस नाइटेंगल एक अलग सी दुनिया में एक अजीब से तकलीफों से भरी दुनिया में प्रवेश करने वाली थी दैट वुड बी अ सुसाइड शी मेड हर चॉइस एंड रिफ्यूज वॉट वॉज एटलीस्ट अ सर्टन हैप्पीनेस फॉर विजनरी गुड विच माइट उन्होंने अपना फैसला कर लिया था और उन सारे सुखों को नकार दिया था जो उनके जिंदगी में खुशियों के रूप में आने वाले थे पर इनकी खुशी की कल्पना कुछ और थी एंड सो शे रिटर्न टू हर ओल्ड लाइफ ऑफ वेटिंग एंड बेटरनेस। और फिर वो अपनी कड़वाहट भरी जिंदगी में वापस जाना चाहती थी दस्ट थॉट रिमेम्बर एंड लास्ट वॉज नर्सिंग वर्क अब अपनी जिंदगी में पहला और आखिरी काम अगर वो कुछ सोच सकती थी तो वो सिर्फ नर्सिंग का ही काम था वो लोगों की सेवा करना चाहती थी। रियलाइज दैट शी वॉज ओल्ड इनफ एंड स्ट्रॉन्ग हर वे दो तीन साल गुजर गए और घर के लोग भी अभी समझने लगे थे कि फ्लोरेंस उम्र में बड़ी हो रही है अपनी जिम्मेदारी को समझती है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझने लगी है शायद अब उसका फैसला कोई बदल नहीं पाएगा बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द चैरिटेबल नर्सिंग होम इन हार्ले स्ट्रीट एंड शी और फिर इस तरह से संघर्ष उनका कामयाब हुआ और वो हार्ली स्ट्रीट के एक चैरिटेबल नर्सिंग होम की सुपरिटेंडेंट बन गई और इस प्रकार से उनको अपनी वर्तमान जिंदगी से भविष्य की जिंदगी के लिए आजादी मिल गई मिसेस मिसल ऑलमोस्ट वेप्ड माँ हमेशा शिकायत करती थी वो कहती थी हमेशा इस बात को रोते हुए कहती थी कि हम डक्स और हमने किसी वाइल्ड स्वैन को जन्म दिया है बट द पुअर लेडी वज रॉ पर मां शायद गलत थी इट वॉज नॉट स्वैन वो कोई वाइल्ड स्वान नहीं थी दैट दे हैड हैजड इट वाज अन ईगल पर ये कोई गरुड़ पक्ष था सिर्फ हंस नहीं था माँ को गलत साबित करने के लिए माइकल फ्लोरेंस नाइटेंगल प्रयास करने वाली थी फ्लोरेंस नाइटेंगल अपने ज़िंदगी में और क्या क्या प्रयास करती है कितने तकलीफ़ों का सामना करती है और दुनिया में कैसी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना करती है इस प्रेरणादायी कहानी को हम आगे भी सुनेंगे पार्ट वन यही खत्म होता है थैंक यू वेरी मच एंड टू बी कंटिन्यूड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर